हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो पे हम बात करेंगे एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसको एचआरआरएल के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो जिन कैंडिडेट के पास में डिग्री डिप्लोमा के रिलेवेंट डिसिप्लिन में क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, टोटल 100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है 4 अक्टूबर 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के टेक्निकल जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में सिचुएटेड है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, वो आपको यहाँ पे जारी किया गया। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो साइट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बालोतरा राजस्थान के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको HRRLRECT02/2024 पोजिशन है, वो यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए निकाली गई है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसीज की अपन बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की 37 वैकेंसी है, इनको 30,000 से 1,20,000 की पे स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। एज लिमिट 25 वर्ष रखी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 4 वैकेंसी है, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की 2 वैकेंसी है, इनको 40,000 से लेकर 1,40,000 की स्केल में रखा जाएगा। 25 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस की 12 वैकेंसी है, इसकी भी एज लिमिट 25 वर्ष है और सैलरी 40,000 से 1,40,000 रुपये। इंजीनियर मैकेनिकल की 14 वैकेंसी है, 50,000 से 1,60,000 यहाँ पे कैंडिडेट है, उनके पे स्केल रहेगी। इसमें 3 साल का अनुभव होना जरूरी है, 29 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी 1 से लेकर 4 तक की वैकेंसी है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इंजीनियर केमिकल प्रोसेस की 27 वैकेंसी है, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट 29 वर्ष है। इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की 4 वैकेंसी है, 29 वर्ष एज लिमिट है, 3 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस वो रिक्वायर्ड किया गया। टोटल 100 पदों के लिए वैकेंसी है निकाली गई। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 5 सितंबर 2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 4 अक्टूबर 2024 रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 26 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास में कंप्लीट होना जरूरी है। जॉब डिटेल्स की आप यहाँ पे बात करो तो कैंडिडेट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख रहे हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा या साइंस ग्रेजुएट 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। इसमें SC/ST और फिजिकल डिसेबल पर्सन 50% मार्क्स के साथ होना। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में हेवी ड्राइविंग का लाइसेंस होना जरूरी है और 6 महीने का यहाँ पे फायर सेफ्टी और फायर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है, इसमें भी 3 साल का रेगुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, तो इसमें कैंडिडेट के पास CA की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस है, तो इसमें कैंडिडेट के पास 4 साल की BE/BTEC की क्वालिफिकेशन से होनी जरूरी है। उसके बाद में इंजीनियर मैकेनिकल के पास में भी BE/BTEC की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है और 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो जो मांगा गया है वो भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इंजीनियर केमिकल प्रोसेस है, तो इसमें 4 साल की BE/BTEC की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। परसेंटेज वो यहाँ पे 60% रखे गए हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे छूट दी गई है 10% की, उनके लिए 50% होने जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस है वो जो इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए मांगा गया है। फिर इंजीनियर फायर सेफ्टी के लिए भी BE/BTEC प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट के लिए मांगा गया है। उसके बाद एम्यूलमेंट की अपन बात करें तो वो मैंने पहले आपको बता ही दिया है। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव को लगभग 7.83 लाख रुपये मिलेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर को 10.44 और जो इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें 13.5 लाख रुपये कैंडिडेट को दिए जाएंगे। प्रोबेशन और रिटेंशन की बात करें तो कैंडिडेट को 1 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल में कंफर्म किया जाएगा। प्लेसमेंट पोस्टिंग है तो शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को HRR पे पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में इसको अदर भी देश भर में कहीं भी इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी का जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें 2 पार्ट होंगे, जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स सभी में मिला के वो 60% होने जरूरी है। SC/ST OBC NCL और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 54% होने जरूरी है। स्किल टेस्ट में
मिनिमम 40% मार्क्स अनरिजर्व है। AWS के लिए 33% मार्क्स है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए पर्सनल इंटरव्यू में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 33% मार्क्स को यहाँ पे कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद में असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर इंजीनियर की बात करें तो इसमें CBT और ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे भी कैंडिडेट के लिए दो पार्ट रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज की। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया, वही क्राइटेरिया इसमें भी सेम ही रहने वाला। फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट और मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी इन कैंडिडेट्स के लिए लागू रहेगा। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, हाइट 165 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड 86.5 है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर वेट और वेट वो यहाँ पे 46 kg रखा गया। प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन सब वो कैंडिडेट का यहाँ पे किया जाएगा। आप रिजर्वेशन वाइज आप यहाँ ब्रेकअप देखते हो तो यहाँ पे वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए गाइडलाइन है। एप्लीकेशन प्रोसीजर है तो कैंडिडेट www.hrrl.in के करियर सेक्शन के करंट ओपनिंग पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को अपना फॉर्म फिलअप करना है। इसमें एप्लीकेशन फी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो यहाँ उनके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं लागू की है, लेकिन जो 1000+18% GST यानी 1180 रुपये अनरिजर्व OBC NCL और EWS कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं, जो कि कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में पेड करने हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर लो। जो कैंडिडेट डिप्लोमा और BTech प्लस जो एक्सपीरियंस जिन कैंडिडेट के पास में है वो कैंडिडेट इस परमानेंट अपॉर्चुनिटी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, को क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।